तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी के माध्यम से जो है ना, आपको हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं, और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो मात्रा लगा है ना इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आप जो है ना हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना आप हिंदी लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है आखिरी पड़ाव। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सुंदरबन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था, खास तौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कह कर पुकारा करते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे, और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है, मैं चाहता हूँ आप सब एक एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं।
सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक ने पूछा, बाबा हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई, पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था जहां पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे यह तो हम सब
जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न कर बैठो। युवक बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाए, मंजिल को सामने पाए, तो कोई जल्दबाजी न करे और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाए। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंच कर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर
पहुंच कर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त कर के ही दम लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।